नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज की इस वीडियो में हम लोग भदंत आनंद कौशल्यायन जी द्वारा रचित संस्कृति पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि एक बहुविकल्पी प्रश्न भी है, आइए हम इन्हें करने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। क नंबर प्रश्न, लेखक अपने तरीके से क्या समझाने की बात करता है, यानी कि इस पाठ में लेखक मूलतः किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, किस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके जो चार विकल्प हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पहला विकल्प धर्म अधर्म को, दूसरा विकल्प न्याय अन्याय को, तीसरा संस्कृति सभ्यता को, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ें तो हमें पूर्ण रूप से पता चलता है कि वास्तव में इस पाठ में जो लेखक है वो हमें संस्कृति किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं, उन दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या अंतर है, इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इस पाठ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है संस्कृति और सभ्यता। तीसरा वाला जो विकल्प है हमारा, लेखक अपने तरीके से क्या समझाने की बात करता है, संस्कृति और सभ्यता को। आइए ख नंबर प्रश्न को देखते हैं। मोती भरा थाल का क्या अभिप्राय है? पहला विकल्प थाल से भरा हुआ मोती, दूसरा आकाश में जगमगाते तारे, तीसरा घास पर झिलमिलाती ओश की बूंद, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मोती भरा थाल का क्या अभिप्राय है, इसमें वास्तव में मोती भरा थाल जो है वो आकाश में जगमगाते तारे को कहा गया है। तो इसका जो दूसरा नंबर विकल्प है वह सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव संस्कृति है, ग नंबर प्रश्न है, मानव संस्कृति है तो क्या चीज है, ये हमें बताना है। एक विभाज्य वस्तु, विभाज्य का अर्थ होता है जो खंडित हो जाए, जो टूट जाए। इसी तरीके से दूसरा जो है विकल्प वह है अकल्याणकारक वस्तु। अकल्याणकारक का वस्तु, अकल्याणकारक का मतलब होता है जो दूसरे के हित में ना हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं अकल्याणकारक। और तीसरा विकल्प है एक अविभाज्य वस्तु, यानी कि जो कभी भी टूटती नहीं है, जो कभी भी खंडित नहीं होती है। और चौथा विकल्प है अस्थाई वस्तु। तो इसका जो सही उत्तर है वह एक अविभाज्य वस्तु, मानव संस्कृति है एक अविभाज्य वस्तु। आइए अब हम इस पाठ के कुछ उत्तरीय प्रश्न को, पहला प्रश्न है संस्कृति क्या है। उत्तर देखिए, किसी स्थान विशेष पर बसे किसी खास जन समुदाय के रीति रिवाज, खान पान, प्रकृति में सामंजस्य का ढंग इत्यादि में सम्मिलित अवस्था संस्कृत कहलाती है। यानी कि किसी स्थान विशेष पर जो लोग रहते हैं, उनकी जो रीति रिवाज होती है, खान पान का तरीका होता है, अपने प्रकृति के साथ वो किस प्रकार सामंजस्य मिलाकर रहते हैं, इसी अवस्था को हम लोग संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति जो होती है वो व्यक्ति विशेष होती है। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सभ्यता का अभिप्राय क्या है, यानी कि सभ्यता किसे कहते हैं। देखिए, संस्कृति का परिणाम ही सभ्यता है, यानी संस्कृति का जो रिजल्ट है उसे हम सभ्यता कहते हैं, परिणाम को सभ्यता कहते हैं। हमारे खान पान के तरीके, रहने पहनने का जो तरीका होता है, जो गमनागमन यानी कि आने जाने का जो साधन होता है, यातायात का जो साधन होता है, या हम जिस प्रकार से अपनी चीजों, अपनी परंपराओं के लिए कट मरने के लिए तैयार होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सभ्यता के बीच आती हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, संस्कृति के लेखक का नाम क्या है। तो देखिए, संस्कृति पाठ के लेखक का नाम भदंत दी होगी यहाँ पर आनंद कौशल्यायन है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। और चौथा प्रश्न, मनीषी का क्या तात्पर्य है, यानी ये जो शब्द है मनीषी, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, बुद्धिमान, मेधावी, विचारशील व्यक्ति को मनीषी कहते हैं, ठीक। आइए अब इस पाठ से संबंधित कुछ बोधमूलक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, आग की खोज किन कारणों से हुई। उत्तर देखिए, आग की खोज में पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण है, यानी पेट की जो भूख थी उसके कारण ही आग की खोज हुई। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय स्वयं जिस मनुष्य ने पहला
पहल सबसे मनुष्य ने पहले आग की खोज की होगी, आग का आविष्कार किया होगा, वह महान आविष्कार करता होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आग की खोज मुख्य रूप से पेट की ज्वाला के कारण, भूख के कारण हुई, क्योंकि भोजन को पकाकर खाना अत्यधिक आवश्यक है। के बाद दूसरा प्रश्न हमारा, दूसरा प्रश्न, न्यूटन कौन थे, उन्होंने किस सिद्धांत की खोज की थी। सर आइजैक न्यूटन उनका पूरा नाम है। तो न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी। ठीक, तीसरा हमारा प्रश्न, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो देखिए, जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि अथवा अपने विवेक से मानव के कल्याण के लिए किसी नए तथ्य की खोज की हो, किसी नए चीज की खोज की हो, उसे हम संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है, बताया गया कि जिस व्यक्ति ने अपने बुद्धि अपने विवेक से अपने सोच के बल पर मनुष्य के कल्याण के लिए किसी चीज की खोज की हो, उसे हम संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। गौतम बुद्ध घर त्याग करने से पहले, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तब वे सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। तो सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया, उत्तर देखिए, सिद्धार्थ ने अपना घर इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत जो मानव जाति है, जो लड़कट रही है लोभ लालच द्वंद द्वेष के कारण, उस तरह के मनुष्य को, उस तरह की मानवता को सुख की प्राप्ति हो सके, वे शांति से रह सके, इस चीज की खोज करने के लिए सिद्धार्थ ने जो है वो अपने घर का त्याग कर दिया। ठीक, आइए पांचवें नंबर प्रश्न को देखते हैं, संस्कृत और सभ्यता, दो शब्द है, संस्कृत और सभ्यता में मौलिक अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें इन दोनों में अंतर बतलाना है। देखिए, संस्कृत मूल प्रेरणा अथवा कारक है, किसी भी चीज की कारक है वह, जबकि सभ्यता परिणाम या फल। सभ्यता जो है वो संस्कृत का परिणाम है। कहा जा सकता है कि जिस प्रेरणा, ज्ञान अथवा भावना के वशीभूत होकर मानव किसी वस्तु की खोज करता है, वह है संस्कृत, जबकि जिस वस्तु को खोजा जाता है, खोज के बाद जो वस्तु मिलती है, उसे हम सभ्यता या दर्शन कह सकते हैं। ये आशा है आपको इन दोनों का अंतर समझ में आया होगा कि संस्कृत जो है वो कारण है और उसका जो परिणाम है वह सभ्यता है। आगे प्रश्नों को देखते हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो इसमें एक पंक्ति दी गई है, देखिए पंक्ति को पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक एवं वैसा ही परिष्कृत आविष्कार होगा। तो पहला प्रश्न, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, और इसी में जो दूसरा प्रश्न है कि पहली चीज का आशय स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं, देखिए यह पंक्ति संस्कृत पाठ से उद्धृत है, पहली चीज का आशय योग्यता प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा से जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि लेखक ने पहली चीज के द्वारा संस्कृति को किया है। जो दूसरा प्रश्न है इसी पंक्ति के आधार पर, ये प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति में योग्यता होगी, तभी वह प्रेरणा होने पर आविष्कार करता है। योग्यता एवं प्रेरणा जितनी सुरुचिपूर्ण होगी, वह उतनी ही अधिक सुंदर खोज कर सकेगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर पहली चीज यानी कि प्रेरणा यानी कि संस्कृति जितनी अधिक होगी, वह व्यक्ति उतनी ही अच्छी खोज कर पाएगा। वास्तव में यही चीज बताया गया है इस पंक्ति। यहाँ पर जब पहली चीज की बात की जा रही है, तो उसका सीधा अर्थ संस्कृति से है, और संस्कृति का परिणाम क्या होता है, सभ्यता होती है, यानी खोजी गई वस्तु। ठीक है, आइए अब हम आगे की पंक्तियों को देखते हैं। तो हमारा ख नंबर पंक्ति ये है कि पढ़ते हैं, संस्कृत का यदि मानव कल्याण से नाता टूट जाएगा, तो वह असंस्कृत होकर रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम, अवश्यंभावी होगा यहाँ पर भावी परिणाम, असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। तो इसमें कुछ प्रश्न जो है उसके आधार पर हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि असंस्कृत और असभ्यता का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, यानी इसका अर्थ बताइए। तो देखिए,
मानव की जो योग्यता उसमें आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार करती है। यानी जब व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता है, कोई गुण है, परंतु उसका प्रयोग जो है वो विनाश के लिए करता है, तो उसे हम असंस्कृत कहते हैं। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में यानी विनाश में जुटा रहता है, उसे हम असभ्यता कहते हैं। तो ये असंस्कृति और असभ्यता का अर्थ है। दूसरा प्रश्न, संस्कृति का कल्याण की मानवता से नाता टूटने का परिणाम क्या होगा, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, संस्कृति, यहाँ पे बिंदी होगी, छूट गई है। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृत होकर ही रहेगी। यानी संस्कृति का वास्तविक संबंध जो होता है वो कल्याण की भावना से होता है, और यदि उससे उसका नाता टूट जाएगा तो संस्कृति किसमें बदल जाएगी, असंस्कृति में बदल जाएगी। इसीलिए और ऐसी संस्कृति का परिणाम निश्चित रूप से असभ्यता होगा। जाहिर सी बात है कि यदि संस्कृति का संबंध लोगों के कल्याण की भावना से टूट जाए तो उसका परिणाम असंस्कृति होगी, और असंस्कृति से प्रेरित होकर यदि कोई भी खोज की जाएगी तो वह निश्चित तौर पर क्या होगी, असभ्यता ही होगी। ठीक है, उसका परिणाम हानिकारक ही होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर तो खत्म होता है, अब हम भाषा बोध की तरफ चलते हैं। तो भाषा बोध में जो सबसे पहला प्रश्न है वह यह है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द को पृथक करें, यानी उपसर्ग एवं मूल शब्द हमें पृथक करना है। तो पहला शब्द है उपयोग, मैं यहाँ पर पहले लिख देती हूँ उपसर्ग, कि आपको समझ में आ सके उपसर्ग कौन सा है, और मूल शब्द। ठीक है, हमारा उपसर्ग है उपयोग शब्द है हमारा। उपयोग शब्द में उप जो है वो उपसर्ग है और योग जो है वो मूल शब्द है। आपको पता ही है मूल शब्द के आगे उपसर्ग आता है और फिर एक नया शब्द बनता है, तो उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं उपयोग के अंदर। उपयोग के अंदर उप जो है वो उपसर्ग है और योग जो है वो मूल शब्द है। इसी तरीके से अनेक के अंदर अ जो है वो उपसर्ग है और नेक जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, प्रवृत्ति के भीतर भी जो है वो प्र जो है वो उपसर्ग और वृत्ति का अर्थ जो है वो है मूल शब्द। आइए अब आगे देखते हैं, आगे जो हमारा शब्द है अपरिचित, अपरिचित के भीतर भी जो है वो है अ जो है वो उपसर्ग है और परिचित जो है वो हमारा मूल शब्द है। महाभीतर, महा जो है वो हमारा उपसर्ग और मानव जो है वो मूल शब्द। इसी तरीके से अविभाज्य के अंतर्गत अ उपसर्ग और विभाज्य मूल शब्द। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने उपसर्ग किया। अब उसी तरीके से ये हमारा दूसरा प्रश्न है प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो हमेशा पीछे लगता है, आपको पता ही है प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है, तो इसमें मूल शब्द और प्रत्यय। मूल शब्द क्या है, सभ्यता के भीतर सभ्य जो है वो हमारा मूल शब्द है और प्रत्यय है। सीता, योग्यता के भीतर योग्य हमारा मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, योग्यता। पूर्वज के भीतर पूर्व हमारा मूल शब्द और प्रत्यय। मानवता के भीतर मानव, याद रखिए यहाँ पर केवल करवा रहे हैं, इसीलिए जो है व्याकरणिक नियमों को उतने अच्छे ढंग से आपको नहीं बता रही हूँ। व्याकरणिक नियमों को जानने के लिए हमें उपसर्ग, प्रत्यय, कारक और भी जो व्याकरण के अंग हैं उनको भली भांति जानना होगा। इसी तरीके से आइए भाग में आगे देखते हैं, रक्षणीय के भीतर रक्षण जो है वो हमारा मूल शब्द है और यह प्रत्यय। आध्यात्मिक के भीतर अध्यात्म और यहाँ पर हमारा उपसर्ग और प्रत्यय समाप्त हुआ। आगे देखें, आगे जो है वो हमारा पर्यायवाची है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, इसमें तो आप बहुत कुछ जानते भी होंगे फिर भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कपड़ा जो है, कपड़ा का क्या हो सकता है, वस्त्र,
पट तीर, ठीक है, बड़ा पंच शब्द है। इसी तरीके से बुद्धि का ज्ञान प्रज्ञा मेधा, जननी का अर्थ तो आप जानते ही हैं, माँ माता, आप माँ माता जननी के अलावा आप वालिदा एक उर्दू का शब्द भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अंश, अंश का जो है वो है भाग, हिस्सा, विलोम शब्द। आइए अब हम देखते हैं विलोम, एक का अनेक, बड़ा का छोटा, अनायास का सायास। अनायास का मतलब होता है अचानक ही जिस चीज को करना हो, बिना मेहनत बिना परिश्रम के, और सायास का मतलब होता है परिश्रम के साथ। अपेक्षा का अर्थ होता है उपेक्षा, प्रथम का द्वितीय या प्रथम का अंतिम कर सकते हैं, अंतिम ज्यादा बेहतर रहेगा, प्रथम अंतिम। और उसके बाद का जो शब्द है कल्याण, कल्याण का रहेगा जी अकल्याण, अ एक मिनट अकल्याण, एक सेकंड, अकल्याण ऊपर चला गया जी, ठीक है अब ठीक है, अकल्याण, ठीक है। अब इसके लिए, अब इसके बाद जो आखिरी वाला हमारा प्रश्न है, वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि स्वयं से वाक्य प्रयोग करें ताकि आप इसे बेहतर ढंग से सीख सकें। हालांकि आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैं वाक्य प्रयोग कर दे रही हूँ, परंतु फिर भी आप स्वयं से करने का प्रयास करें। तो आविष्कार करता यानी कि जो किसी चीज का निर्माण करता है, तो हम लिख सकते हैं बल्ब के आविष्कारकर्ता, आविष्कर्ता एडिशन, एडिशन थे, ठीक है। ये शब्द है आविष्कर्ता, ठीक है, आविष्कर्ता, तो बल्ब के आविष्कर्ता एडिशन थे। संस्कृति, हमारी संस्कृति प्राचीन है, मानव के विचार परिष्कृत होने चाहिए। और अगला शब्द है संसार, तो यह संसार दुख दुख से भरा है, ठीक है। यहाँ पे ये शब्द है, आप इसके अतिरिक्त अलग भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हैं जो कि ठीक ठाक सही। तो इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है, लघुतरीय बोधमूलक भाषा बोध, उसे हम लोगों ने कर लिया है। आशा है यह पाठ और यह वीडियो दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद, एवं अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।